मध्य प्रदेश में नकली खाद और बीज बेचकर किसानों को ठगने वालों की अब खैर नहीं है। कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा, ऐसा करने वालों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, प्रदेश में नकली खाद बीज का गोरख धंधा नहीं चलने दिया जाएगा। ऐसे व्यापारी और कारोबारियों के विरुद्ध रासुका में कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों पर FIR भी होगी और जेल भी भेजा जाएगा। मैंने कृषि मंत्री बनते से ही सबसे पहले जो समीक्षा बैठक की, उसमें हमारे प्रमुख सचिव से लेकर जिले और ब्लॉक लेवल के नीचे तक के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि प्रदेश में नकली बीज खाद दवाई का गोरख धंधा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि किसानों का शोषण बंद हो, राष्ट्रीय कृषि उत्पादन पर विपरीत असर ना पड़े, किसान कर्ज में ना आए, किसान बर्बाद ना हो। और इसलिए पिछले एक वर्ष में हमने सैकड़ों अमानक खाद बीज और दवाई वालों के खिलाफ कार्रवाई की है, लाइसेंस निरस्त किए हैं, FIR कराई है, रासुका भी की भी कार्रवाई की नकली बीज वालों के खिलाफ। और अभी इस बार फिर बैठक में मैंने निर्देश दिए हैं और उसी का परिणाम है कि धार जिले के कुक्षी तहसील में गुजरात से BT काटन के नाम पर, 4G के नाम पर अमानक नकली बीज बेचा जा रहा था। हमको सूचना मिली, हमने निर्देशित किया और हमारे उपसंचालक और जिले की टीम बनाकर छापामार कार्रवाई हुई, उसमें बस से वो पार्सल जब्त किए गए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।